भगवान राम भारत के आराध्य आस्था के प्रतीक। रामलला का जन्म होने के बाद किस मंदिर में जाकर माँ कौशल्या ने परिवार के साथ किए थे दर्शन? कौन है भगवान राम की कुलदेवी? क्या आप जानते हैं हमारे आराध्य की भी है कुलदेवी जो अयोध्या में विराजित हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुलदेवी माँ बड़ी देवकाली का इतिहास अपने आप में काफी प्राचीन है। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के बाद माता कौशल्या प्रभु राम और उनके भाइयों को लेकर माँ का दर्शन कराने आई थी, जिसकी झलक आपको यहाँ खंभों में देखने को मिल जाएगी। माँ देवकाली मंदिर को भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा रघु ने स्थापित किया था। देवी भागवत में बड़ी देवकाली जी का वर्णन है। कहा जाता है कि बड़ी देवकाली भगवान श्री राम की कुल देवी है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार ऊंचा है और इसकी दोनों ओर दो शेर बैठे हैं। इस द्वार पर एक बड़ा भारी पीतल का घंटा लटकता दिखाई पड़ता है। इस मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा कुंड है, जहां भक्त अपनी मनोकामना मांगने के साथ सूर्य देव को जल देने का कार्य करते हैं। यहां स्थापित मूर्ति का खास महत्व है। महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती की प्रतिमाएं तीनों एक साथ ही विराजित हैं, जो एक अद्भुत एवं अलौकिक दृश्य है। मंदिर का गर्भगृह गोलाकार में है। इसकी छत पर गुंबद बनी हुई है और उस पर माता का लाल ध्वज फहराता रहता है। ये पूरा कमरा प्राचीन शैली में बना हुआ है। माँ देवकाली की महिमा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली है। श्रद्धालु माता के चरणों में आकर शीश नवाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं।